लगभग 2 साल के बाद क्रिकेट मैदान पर उतरा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मज़ा आया ना खेल के कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये हमारे वीरेंद्र सहवाग हैं जो हर मैच में शपथ लेके आते हैं कि मैं 100 बनाऊंगा, लेकिन बेचारों का दिन चलता नहीं है कभी। ये देखो भाई, ये है संजू बाबा चिकन। अब दिखने में कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ना, ज़रा कमेंट्स में जाके बताओ। तो जी, घर को रेनोवेट कराने का काम जो है वो चालू है एकदम जोरों शोरों से। तो हमारा जो वॉशरूम है ऊपर, अब हम वो तैयार करवा रहे हैं, और उसके लिए मैं शॉपिंग करने के लिए आया हूँ कोटला में। तो कोटला में बढ़िया माल मिलता है, सस्ता माल मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, बट आपको थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। अगर आप वो कर सकते हो तो भाई कोटला आ जाओ, यहाँ पर टाइल्स, लाइट, वॉश बेसिन सब कुछ आपको मिल जाता है। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ये यहाँ पर ये टाइल की शॉपिंग कर रहा हूँ पहले, जो वॉश रूम के पीछे लगेगी, और मेरे को ये वाली पसंद आई है। ज़रा बताओ कमेंट्स में जाके कि आपको ये वाली कैसी लग रही है। भैया डिस्काउंट बढ़िया मिल जाएगा ना? बिल्कुल जी भैया, बहुत बढ़िया मिलेगा। जी आफ्टर एजेस आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट मैच। बहुत साल हो गए, आई थिंक 2-2.5 साल हुए हैं कि 2 साल के बाद मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए। अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड यू नो क्रिकेट वो समथिंग विच आई ऑलवेज इन्जॉय। देखना भी बहुत पसंद है और खेलना तो उससे भी ज़्यादा पसंद है। तो जा रहे हैं आज खेलने के लिए क्रिकेट, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप पूरा ब्लॉग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप भी क्रिकेट फैन है ना, यू डोंट वॉन्ट टू मिस इट। सो जी, फाइनली ऑन द फील्ड आफ्टर सो मेनी ईयर्स, और बहुत अच्छा लग रहा है फील्ड में आके। मतलब ठंड तो बहुत ज़बरदस्त है ही है, लेकिन यही मज़ा यार क्रिकेट खेलने का। सर्दी हो ठंड हो, बस आपका जज्बा होना चाहिए, और हमारा जज्बा क्रिकेट खेलने के लिए एकदम पूरा है। और देखना मेरे क्या परफॉर्म करता हूँ, बताऊँगा आपको कितना स्कोर बनाया मैंने, और अगर बॉलिंग कराई तो कितनी विकेट ली वो भी बताऊँगा। ये हमारी टीम है भाई, और ये इतना ब्यूटीफुल ग्राउंड है। तो बलियाबाज गुड़गांव में बहुत सारे ऐसे क्रिकेट ग्राउंड्स हैं जहाँ पे आपको मैच खेलने का मौका मिल सकता है। तो ऐसे ही मेरे व्लॉग्स को फॉलो करते रहना, और अगर अच्छे लग रहे हैं ना तो कमेंट ज़रूर करना और शेयर ज़रूर कर देना। और ये हमारे वीरेंद्र सहवाग हैं जो हर मैच में शपथ लेके आते हैं कि मैं 100 बनाऊंगा, लेकिन बेचारों का दिन चलता नहीं है कभी। कैसा लग रहा है पुनीत पाजी, 0 पे आउट हो गए? 0 थोड़ी है यार, 3-4 रन है, 3-4 रन बना के। सबसे बड़ी जो कमज़ोरी इनकी है, इनका ये पेट है। बस हर मैच में बोलते हैं कि पेट कम कर लूँगा, लेकिन मैगी मंगवा लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो जी, बहुत सालों के बाद आज मैं क्रिकेट मैदान पे उतरा हूँ। सच में क्या फील आई है खेलने की भाई, 4 विकेट लिए और साथ में 40 रन बनाए हैं, बड़ा मज़ा आया खेल के। देख रहे हो आप मेरा हुलिया, मतलब इतने टाइम के बाद फील्ड में उतरने का। ये दिखाओ भाई पैड वैड, और एकदम बढ़िया तरीके से ग्लव्स उतार दिए, हेलमेट वेलमेट उतार दिए। तो मेरे ब्लॉग्स ऐसे अगर पसंद करते हो तो शेयर करते रहना, कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना। तो जी, आज संडे का दिन है और सुबह सुबह मैच खेल के आया हूँ। मैच जीत भी गए हम और मुझे मैन ऑफ द मैच मिला, बड़ा ही मज़ा आया यार 2-2.5 साल के बाद खेल के ना, सचमुच एकदम मज़ा सा आ गया। लेकिन बॉडी की बैंड बच चुकी है, इतनी ज़्यादा दर्दें हो रही है ना हर जगह पर कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक मतलब सिर्फ दर्दें ही दर्दें हो रही है, क्योंकि 2-2.5 साल बाद खेला हूँ। घर पहुंच चुका हूं और भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। और घर जब पहुंचा तो देखा कोई है ही नहीं घर पे, ना बीवी है, ना मम्मी है, ना पापा, कोई भी घर पे नहीं है। तो सबसे पहले खाना बनाने का मन मेरा था नहीं, तो मैंने यहाँ से ये सबवे से ऑर्डर कर लिया, थोड़ा अपने लिए सब ऑर्डर किया है। और रात को बहुत अमेजिंग एक चिकन करी बनाऊंगा, संजू बाबा चिकन करी, बहुत अमेजिंग, बहुत टेम्पटिंग बनती है। तो सबवे खाता हूँ, थोड़ा सा आराम करूँगा, संडे का दिन है, बहुत बैंड बच चुकी है। 2-4 घंटे सो के उसके बाद उठ के आराम से चिकन बनाऊँगा। आज घर पर कोई है नहीं तो इसलिए फुल इन्जॉयमेंट है, सिंगल हुड के मजे ले लूँ, बैचलर हुड के। तो जी, बहुत सारे लोगों को ये तो बताया है कि मेरे को स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मेरे को खाना बनाना उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज मैं अपने किचन में कुछ ऐसा बना रहा हूँ जिसको देख के ना आपके मुँह में इतना सारा पानी आने वाला है ना, और आप 100% मुझे बोलने वाले हैं इसकी रेसिपी के लिए क्या है। पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मज़ा आने वाला है आपको। मेरा फेवरेट है ये, और आपका भी फेवरेट हो जाएगा अगर आप चिकन खाते हो तो। तो यहाँ देखो, यहाँ चिकन की तैयारी फुल जोरों शोरों से है, और इसमें मैं 2 तरीके के अनियन यूज़ करता हूँ, एक नॉर्मल वाले और एक स्प्रिंग अनियन। और पता है मैं क्या बना रहा हूँ? मैं बना रहा हूँ चिकन संजू बाबा। जी हाँ, संजय दत्त की रेसिपी है ये, और इतनी लाजवाब है ना कि मतलब आप एक बार खा लीजिए और उसके बाद उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, गारंटी मेरी है। और जिसको खिला दिया ना भाई, वो यही कहेगा कि कुछ और खिलाओ ना खिलाओ, संजू बाबा ज़रूर बनाओ हमारे लिए। ये देख रहे हो भाई क्या बढ़िया, अभी जब बन के तैयार होगा ना उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो भाई घर पे ना कुछ दोस्त यार आ रहे थे, और उन्होंने कहा भाई कुछ अच्छा अलग सा बना, कुछ स्पेशल सा बना। तो मैंने कहा भाई लो आज आपके लिए बनाते हैं चिकन संजू बाबा, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने चिकन जो है वो डाल दिया है कढ़ाई में, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये देखो कितने सारे जो बादाम है मैंने छील के रख दिए ऑलरेडी। ये देख रहे हो भाई बादाम, इतने बादाम अगर मैं साल में खा लूँ ना एकदम ताकत आ जाए मेरे अंदर। एनीवेज अभी आपको दिखाता हूँ, बड़ा मज़ा आने वाला है, आपको बने रहना एंड तक, लेकिन मज़ा आ जाएगा। सिखाता पता है कौन है मुझे सारी रेसिपी? ये देखो, ये मम्मी, ये देखो भाई, ये है संजू बाबा चिकन। अब दिखने में कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ना, ज़रा कमेंट्स में जाके बताओ। बहुत दिल से बहुत प्यार से बनाया, और अगर इसकी पूरी रेसिपी चाहिए हो ना वो भी ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में जाके। देख रहे हो भाई क्या लाजवाब चिकन है, ना ज़्यादा मसाले
ना ज़्यादा हॉच पॉच, बिल्कुल बढ़िया सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, इस बात की गारंटी देता हूँ आपको। थोड़ा सा धनिया ऊपर से और डाल दो, मेरा फेवरेट है वैसे।